अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कोरमा बनाने की सबसे आसान रेसिपी। ये कोरमा देगी स्टाइल है और झटपट बन जाने वाला, घर पे रहने वाले आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसके लिए मैंने कुकर में 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून घी को गर्म किया है। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें 100 ग्राम दही ऐड कर दें। दही ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब खड़े मसालों में 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये छोटा सा ब्लेड है जावित्री का और 4 से 5 लौंग, ये ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये जायफल को आपको इस तरह से ग्रेट करके ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पिंच ही ऐड करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बस थोड़ा सा मिक्स कर लें, कुक नहीं करना है। और फिर इसमें जाएगा 500 ग्राम मटन। ये मटन मैंने थोड़ा फैट वाला लिया है ताकि जो कोरमा है उसमें अच्छी तरी आए। अगर आपको तरी या ऑयल ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल साफ मटन ले सकते हैं विदाउट फैट। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 8 विसल्स तक कुक करें, जब तक कि आपका मटन टेंडर नहीं हो जाता। अब 8 से 9 सीटी के बाद मैंने इसे खोला और फिर इसे थोड़ा सा और कुक किया है। अब लो फ्लेम पर आपको बिरिस्ता ऐड करना है, 100 ग्राम बिरिस्ता है, इसे आप इस तरह से क्रश करके ऐड कर लें या तो फिर ग्राइंडर में आप इसे एक बार घुमा लें। अब इसे आपको लो फ्लेम पर कुक करना है जब तक बिरिस्ता गल नहीं जाता। अगर आपको कोरमा थोड़ा लिक्विडी चाहिए तो इस पॉइंट पर आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर गाढ़ा ग्रेवी चाहिए पानी नहीं ऐड करना है। बस अच्छे से मिक्स कर लें और लो फ्लेम पर ढक कर 10 मिनट के लिए थोड़ा और कुक कर लें। अब ये देखिए 10 मिनट बाद हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर और तरी जो है वो भी ऊपर आ चुकी है। अब लास्ट टच देना है आपको केवड़ा एसेंस का। केवड़ा एसेंस है तो 2 ड्रॉप्स डालना है और केवड़ा वाटर है तो सिर्फ 1/4 टीस्पून ऐड करना है। बस अच्छे से मिक्स कर लें और आपका शानदार कोरमा बनकर रेडी है। टेक्सचर बहुत ही दानेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा बनकर रेडी होता है। इसी तरीके से बनाएं और ट्राई करें, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे पराठे और प्लेन राइस के साथ खाएं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।